प्रसंग यह था कि वो कहते भगवान बनाया किसने, इस पे चर्चा करो, संसार किसने बनाया ये छोड़ो, भगवान किसने बनाया है इसकी चर्चा कर रहे हैं, छोड़ दो किसने जीव बनाए। आज ये बात होनी चाहिए कि भगवान किसने बनाया है। तो अपने आप ही कह रहे थे कि भगवान भक्तों की हृदय की उपज है, भक्तों ने बनाया है। भगवान तो भक्त की उपज है, ऐसा भगवान ऐसे। और बोले कई बार ध्यान में अपने तरीके से गढ़ता है, भगवान हो एक तो मुस्कुरा रहे हो और क्या, हाथ उठा रहे हैं और क्या, आशीर्वाद भी दे रहे हो और क्या, फूल बरसा रहे हो और क्या, और हमारे अनुकूल हो। लीजिए आपके हिसाब से भगवान आप गढ़ते हैं। इष्ट जानते हो किसे कहते हैं? इष्ट कौन? इष्ट वो जो अभीष्ट की सिद्धि करे और इसमें हमारा विश्वास हो। जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करेगा वही हमारा इष्ट है। और ये याद रखने की बात है, कागज पे लिखो, अब भूल जाते हैं, भुलक्कड़ लोग हैं। इष्ट कौन है? जब मन को एक गहरे पता हो कि जिससे अनिष्ट नहीं होगा वही इष्ट है हमारा, जिससे अनिष्ट नहीं होगा, जो हमारे अनिष्ट की निवृत्ति करता है, अमंगल की निवृत्ति करता है, आपदा छीनता है, विपत्ति का निवारण करता है। एक और बात, इष्ट जानते हो किसे कहते हैं? मैं भले पात्र नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, साधन नहीं है, मुझ में साधन का अभाव है, योग्यता का अभाव है, पात्रता का अभाव है, फिर भी मुझे अभीष्ट है ये, मुझे तो चाहिए, मैं तो चाहत रखता हूं। तो भले ही आप पात्र नहीं है, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, साधनहीन हैं, सर्वथा अयोग्य हैं, अनाधिकारी हैं, फिर भी जो आपका अभीष्ट है उसकी सिद्धि करने में जो पल भर न लगाए उसी को इष्ट कहते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा। देखिए हनुमान के बारे में क्या बात है, नासे रोग हरे सब पीरा, या अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अब हनुमान में प्रीति हो गई। अच्छा, हमें भी कोई ऐसे ही दुर्बल देवता नहीं चाहिए। अच्छा, मन भी ऐसा बावरा है, देवता वो जो कम ले और दे ज्यादा अच्छा लगता है, जो कुछ न ले देता रहे। और देवता चित्तन धरें हनुमत से सर्व सुख करें, और देवता विपत काल में फिर किसी और का ध्यान मत करना, हनुमत से सेवन करो। अभी हनुमत कैसे से आ जाएगा, कैसे प्रसन्न होगा? श्रद्धा से उसको एक आवाज लगाओ। तो इष्ट कौन है? जिसको हमने पुकारा, जिसका स्मरण किया और वो हमारे अनिष्ट का निवारण कर दे, विपत्ति भंजन कर दे, कष्ट दूर कर दे, पाप भंजक है, दुख नाशक है, सुख करता है, मंगल मूर्ति है और अभीष्ट सिद्ध कारक है, उसी को इष्ट कहते हैं।